और अब बात जोशीमठ की। देखिए यहां पर एक बार लोगों को फिर डर सताने लगा है। देखिए जोशीमठ में जर्जर भवन दरकने का डर अभी से लोगों को सताने लगा है, जबकि वैज्ञानिकों की सलाह के बाद भी एक साल गुजर जाने के बाद जोशीमठ में ड्रेनेज को लेकर कोई काम नहीं हुआ है। साल 2023 का जनवरी महीना शायद ही कोई भूला होगा, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में जोशीमठ शहर में भूधसाव होने लगा था और सैकड़ों भवनों में दरारें आने से लोगों की छत छिनने लगी थी। केंद्र और राज्य के सहयोग से कई जांच एजेंसियों ने जोशीमठ पर काम किया, लेकिन एक साल बाद भी जोशीमठ के हालात वही हैं जो जनवरी 2023 में थे। जोशीमठ में ना तो ड्रेनेज पर कार्य हुआ और ना ही दरारों को भरने का कार्य हुआ, बल्कि अब डर इस बात का है कि मॉनसून सीजन में जब बारिश होगी तो पानी फिर जमीन में इन दरारों से जाएगा तो फिर जोशीमठ पर खतरा बनकर आएगा। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने भी जोशीमठ के नीचे 40 ऐसी दरारों का जिक्र किया था जो भूदशाव से बनी हैं। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा की माने तो जोशीमठ को लेकर कई एजेंसियों ने कार्य किया है। आपदा सचिव ने बताया कि जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर आगामी 10 से 15 दिन में डीपीआर बनाने का कार्य पूर्ण हो जाएगा। साथ ही जोशीमठ में जिन प्रभावितों को विस्थापित किया जाना है उनको लेकर भी वित्त विभाग द्वारा जल्द ही हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। ड्रेनेज में पूरा हमारा एक कंसल्टेंट और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में कंसल्टेंट के द्वारा पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उसका डीपीआर लगभग तैयार हो गया। तो उसमें हमने दोनों कई चीजें हमने देखी है। ड्रेनेज तो एक तो हो गया कि जो हमारे हाउस होल्ड का जो पानी निकलता है उसका, और दूसरा जो बरसाती नाले बहते हैं, तो ये दोनों का हमने उसमें अकाउंट फॉर किया है। किस तरह से हमारे नाले कहीं पर टूटे हैं, पानी आता है नाले में अंदर चला जाता है और वही कल को वो सिंकिंग होती है, डैमेज करता है। ये दोनों को हमने अकाउंट फॉर किया है। हमने ये भी कहा था और उसका किया भी है इन लोगों ने, किस तरह से सब सरफेस को कहीं पर लूज है, इसीलिए ये लूज है जहाँ पर नाला बनाते हैं क्रैक कर जाता है, हमने तो नीचे उसको किस तरह से स्टेबल बनाए उसको ध्यान में रखते हुए, और हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें जो फ्लेक्सिबल हो। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा अपनी सरकार का बचाव कर रही है, जबकि बद्रीनाथ का उपचुनाव देख इसकी चर्चा फिर होने लगी है। भाजपा तो उपलब्धियां गिना रही है जबकि विपक्ष सच्चाई बता रहा है। जब जोशीमठ में आपदा आई थी तब भी हमारी प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से भरसक प्रयत्न किया था कि किसी प्रकार से जान माल की हानि वहां पर नहीं हुई, तो ये दिखाता है और दर्शाता है कि हम लोग अपनी जनता के प्रति कितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी सजग रहती है। और केंद्र सरकार का भी उस समय भरपूर सहयोग जोशीमठ को मिला था, और अभी भी मानसून सत्र शुरू होते समय ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से जनता को किसी चीज़ का सामना, परेशानी का सामना न करना पड़े। और जहाँ तक दरारें भरने की बात है जोशीमठ की, तो वहाँ पर पूरा कार्य किया जा चुका है लगभग, और जो थोड़ा बहुत कार्य रह चुका है उस पर भी हमारी सरकार लगी है। जोशीमठ आपदा को लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले वहाँ मकानों में जो है दरारें आई थी, लगातार जनता पहले से ही सरकार को जगाने और चेताने के लिए आंदोलन कर रही थी, लेकिन समय पे तब भी सरकार नहीं जागी, और अब भी 2 साल से सरकार जो है लोगों को पुनर्वास का भरोसा दे रही है, मुआवजे का भरोसा दे रही है, लेकिन न तो उनके पुनर्वास की कोई योजना बता रही है, न जो है उनको मुआवजा ही दे रही है। लोग अंधकार में हैं, भय में हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। अभी देखिए ड्रेनेज की व्यवस्था वहां पर नहीं सुधरी, जो मकानों में दरारें हैं वो ज्यों की त्यों हैं, और लोग मजबूरी में उन दरार वाले भवनों में ही रहने के लिए जो है विवश है, क्योंकि सरकार ने तो उनके आवास और पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की है। बहरहाल चुनाव नजदीक है तो दावे कई किए जा रहे हैं, लेकिन जनता अब सब देख रही है। अब प्रशासन की ओर से आपदा के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये साफ है कि भू धसाव का मसला बेहद गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।